Hello students, how are you all? Hope you all are doing good and taking care of yourself. So students, today we will be doing chapter number twenty-three of EVS. The name of the chapter is a beautiful cloth. I will explain this chapter to you. I will read it. You also have to read it by yourself and listen to the video carefully. So here in this chapter, we will discuss about cloth. Okay. सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ ऑल्सो सो लेट्स अवटिफुल गर्ल है साजेदारहन उसे एक ब्यूटीफुल सुंदर सा दुपट्टा देती है तो so, दुपट्टा क्या होता है बच्चों चुन्नी देती है द दोपट्टा हैड ब्यूटिफुल एम्ब्रॉयडरी एंड स्मॉल मिरर स्टकऑन इट सो जो दुपट्टा होता है उसमें ब्यूटिफुल एम्ब्रॉयडरी मतलब सुंदर कड़ाई करी होती है और छोटे छोटे मिरर्स शीशे भी लगे होते हैं आफ्टर फिनिशिंग डिनर साजिदा ट्राइड टू वेयर द दुपट्टा इन डिफरेंट वेज अब डिनर करने के बाद साजिदा उस दुपट्टे को अलग अलग तरीके से पहनने की कोशिश करती है सू शी गॉट टायर्ड प्लेइंग विद द दुपट्टा एंड फेल ए स्लीप वेयरिंग इट अब जब वो ये इस तरीके से दुपट्टे को पहनने की कोशिश कर रही होती है अपने में खेल रही होती है सो वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थक जाती है और वहीं पर सो जाती है दुपट्टे को ओढ़कर शी वॉज थिंकिंग अबाउट द दुपट्टा इवन इन हर ड्रीम अब जब साजिदा सो रही होती है तो अपने सपने में भी उस दुपट्टे के बारे में ही सोच रही होती है क्या सोचती है हाउ वुड सच अ ब्यूटिफुल दुपट्टा हैव बीन मेड ऐसा सुंदर दुपट्टा कैसे बना होगा ठीक है सो so आगे बोला गया है हाउ डू यू थिंक साजिदा दुपट्टा वॉज मेड तो अब आपको बताना है कि साजिदा का दुपट्टा कैसे बना होगा तो साझिदा का दुपट्टा क्लॉथ कपड़े में बना है ठीक है और किस तरीके से बना है उसे वीवर्स ने बनाया है ठीक है जो बिनाई करते हैं उन लोगों ने बनाया है ठीक है या मशीन की हेल्प से या अपने हाथों से उसमें एम्ब्रॉयडरी करी है या उस पर शीशे चिपकाए हैं ठीक है बच्चों सो इस तरीके से दुपट्टे बनते हैं आगे देख लेते हैं ये आपको एक्टिविटीज दी है बच्चों जो आप घर पर ट्राई करेंगे टेक अ दुपट्टा और अ पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ तो आपको भी एक दुपट्टा लेना है या एक अनस्टिच्ड पीस लेना है अनस्टिच मतलब सिला हुआ कपड़े का पीस टुकड़ा लेना है बड़ा सा ड्राप इट इन डिफरेंट पेस उस कपड़े को या उस दुपट्टे को आपको अलग अलग तरीके से पहनना है इन हाउ मेनी वेज कुड यू वेयर इट अब आपको बताना है कि आप कितने तरीके से उस दुपट्टे को या कपड़े को पहन सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं डिड एनी वन वेयर इट लाइक अ लुंगी और यूज इट एज अ टर्बन आप बच्चों आप लोगों ने जब ट्राई किया होगा तो आपको देखना है कि किसी ने उसे लुंगी की तरह पहना है या किसी ने उसे टर्बन की तरह पहना है कि नहीं तो लुंगी क्या होता है बच्चों जो पंडित जी पहनते हैं और टर्बन होता है पगड़ी ठीक है सो आपको सिर्फ नॉर्मल वे में उस दुपट्टे या उस क्लॉथ को नहीं ट्राई करना है आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से उसे पहनना है ठीक है बच्चों नेक्स्ट देखते हैं लुक एट एनी सिक्स गार्मेंट्स एट होम अब आपको घर पर कोई भी छ गार्मेंट्स कपड़ों को देखना है ठीक है वट डिफ्रेंस डू यू फाइन इन देर टेक्स्चर देर कलर एंड डिज़ाइन अब जब आप उन कपड़ों को देखोगे बच्चों तो आपको ये नोटिस करना है कि उनका टेक्स्चर टेक्स्चर मतलब कि कपड़ा किस तरीके का है सॉफ्ट है रफ है स्मूद है आपको ये नोटिस करना है कपड़े के कपड़ा है कैसा ठीक है मुलायम कपड़ा है खुरदुरा कपड़ा है ठीक है उसके कलर के बारे में देखना है और उसका डिज़ाइन भी देखना है कि वो किस तरीके से बना है ठीक है सो ये थ्री एक्टिविटीज हमने पढ़ ली नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं लुक एट अ थिक क्लॉथ और अ सैक केयरफुली अब आपको एक मोटा कपड़ा लेना है या एक सैक बोरी लेनी है ठीक है कैन यू सी थ्रेड्स रनिंग अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड ब्रेथ अब आपको उस मोटे कपड़े में या उस बोरी में ये नोटिस करना है कि उसमें आपको थ्रेड्स दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं थ्रेड्स कैसे जा रही हैं लेंथ लंबाई में भी और चौड़ाई में भी एक दूसरे को क्रॉस करते हुए आपको दिखेंगी ठीक है यू विल फाइंड अ सिमिलर पैटर्न इफ यू सी एनी पीस ऑफ क्लॉथ क्लोजली अब ये तो हमने मोटे कपड़े और बोरी के बारे में बात करी अगर आप किसी भी पतले कपड़े को भी देखेंगे तो उसमें भी आपको इस तरीके से थ्रेड्स जो हैं ठीक है ठीके? जो धागे हैं आपको क्रॉस होते हुए दिखेंगे ठीक है नेक्स्ट देखते हैं यू कैन ऑल्सो वीव पेपर इन अ सिमिलर वे अब जिस तरीके से आपके कपड़ों में बिन बुनाई हुई होती है उस तरीके से आप पेपर्स को भी वीव कर सकते हैं कैसे करते हैं नीचे एक्टिविटी देख लेते हैं वीविंग पेपर अब आपको अपना पेपर खुद वीव करना है ठीक है आप इस एक्टिविटी के लिए अपने सिस्टर अपनी मदर या किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं और ज़रूर लेना ठीक है बच्चों टेक डू टू पेपर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आपको दो अलग अलग कलर्स के पेपर लेने हैं मार्क वर्टिकल लाइन्स ऑन वन पेपर एंड हॉर्जोंटल लाइन ऑन द अदर तो वर्टिकल लाइन्स मतलब सीधी लाइन्स एक पेपर में लेनी है करनी है और दूसरे पेपर में हॉर्जोंटल लाइन्स बनानी है कट बोथ द पेपर्स अलॉन्ग द मार्क् लाइन्स अब जो आपने लाइन्स पतली पतली बनाई हैं तो उनको आपको कट करना है टेक केयर द स्ट्रिप्स शुड नॉट गेट कंप्लीटली सेपरेटेड अब आपको इस यहां पर बचो सीजर से जब आप कट करेंगे तो यहां पर एक बड़े की जरूरत पड़ेगी ठीक है सो आपको जब आप उस पेपर को कट करेंगे सीधा सीधा में और या हॉरिजॉन्टली, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पूरी लाइन पूरी स्ट्रिप को कट नहीं करना है ठीक है पेपर का एंड थोड़ा सा आपको छोड़ देना है किस तरीके से जैसे आपको यहाँ पर पिक्चर्स में बताया हुआ है देखो बच्चों ये स्ट्रिप कट करी है तो ये पूरी कट नहीं करनी इतना आपको बॉर्डर लास्ट में छोड़ देना है पेपर का ठीक है दोनों ही पेपर्स में इतना आपको ध्यान रखना है आगे देखते हैं फोर्थ प्लेस वन पेपर अबव द अदर अलोंग द एजेस एज शोन इन द पिक्चर इन कलर स्टिक द एजेस अब आपको क्या करना है बच्चों इन पेपर्स को जैसे ये दो कलरफुल पेपर्स आपको दिए हैं तो पहले आपको पिंक पेपर नीचे रखना है एक स्ट्रिप लेनी है एक एक आपको ये स्ट्रिप्स ये होती हैं ये आपकी एक स्ट्रिप है ये आपकी एक स्ट्रिप है तो उसमें से एक एक करके आपको क्या करना है पहले पिंक स्ट्रिप नीचे रखनी है येलो ऊपर करनी है फिर उसी पिंक स्ट्रिप को ऊपर करना है येलो नीचे करना है फिर पिंक को ऊपर करना है फिर येलो नीचे करना है सो so, इस तरीके से आपको मैट की वीविंग स्टार्ट करनी है ठीक है बिनाई करना शुरू करनी है तो so, जब आप बिनाई करेंगे तो इस तरीके का पैटर्न आएगा एक येलो ऊपर देन पिंक नीचे 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 तो इस तरीके से आप जब लास्ट में पहुंचेंगे तो एजेस जो एंड पॉइंट एंड होंगे उनके उन्हें चिपका देंगे ठीक है आगे देखते हैं नाउ वीव द स्ट्रिप्स टू मेक अ मैट इस तरीके से आप सारी स्ट्रिप्स को वीव करेंगे और एक मैट तैयार करेंगे पेस्ट टेप्स और अ पेपर बॉर्डर एट द एजेस सो दैट द मैट डज नॉट ओपन अप अब लास्ट में जब आपका मैट तैयार हो जाएगा तो आपको मैट के चारों तरफ एक टेप चिपका देनी है या ग्लू से उसे चिपका देना है ठीक है या आपको पेपर बॉर्डर ले लेना है एक पेपर का बॉर्डर आता है ठीक है जिससे आपका पेपर चिपक जाएगा एजेस सब चीजें चिपक जाएंगी और आपका मैट खुलेगा नहीं तो आपको ये एक्टिविटी घर पर करनी है नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिंटिंग ऑन क्लॉथ आप कपड़े में प्रिंटिंग कैसे करते हैं ठीक है इन द लेसन द प्लांट फेरी यू सॉ डिज़ाइन ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स मेड ऑन क्लॉथ सो जब हमने प्लांट फेरी चैप्टर टू किया था पहले तो आपने उसमें देखा होगा कि एक कपड़े में फ्लावर्स और लीव्स की पिक्चर्स छपी थी ठीक है सो यू टू कैन मेक सम डिजाइन यूजिंग कट वेजिटेबल्स तो आप भी इस तरीके से डिजाइन बना सकते हैं कटे हुए वेजिटेबल्स की हेल्प से कटर कॉलीफ्लावर और लेडी फिंगर आपको एक कॉलीफ्लावर फूलगोभी लेनी है या एक लेडी फिंगर भिंडी लेनी है उसको कट करना है अप्लाई कलर ऑन द कट फेस अब आपको जो कटा हुआ हिस्सा है वहां पर कलर अप्लाई करना है एंड मेक प्रिंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर और क्लॉथ टू मेक योर ओन डिजाइन जब आप भिंडी या कॉलीफ्लावर को कट करेंगे सो उसके आगे कलर लगा देंगे और फिर एक कपड़े पर उसको उस वेजिटेबल को इस तरीके से ऐसे प्रिंट जैसे करते हैं ना उल्टा करके रखेंगे पेपर सॉरी क्लॉथ में तो आपका इस तरीके से प्रिंट हो जाएंगे ठीक है सो ये लेडी फिंगर का है आप कॉलीफ्लावर का भी ट्राई कर सकते हैं ठीक है लीव्स के साथ भी ट्राई कर सकते हैं बच्चों लीव्स के सरफेस uh, पे भी आप कलर लगाइए और एक क्लॉथ पर उसको पेस्ट करिए और फिर उठा दीजिए तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कलर्स के लीव्स और इस तरीके से वेजिटेबल्स ठीक है के डिज़ाइंस मिल सकते हैं सो so स्टूडेंट्स ये एक्टिविटीज़ आप कर लेंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है आप इसे रीड करेंगे ध्यान से समझेंगे एंड रिटर्न वर्क नोटबुक में करेंगे थैंक यू एवरी